हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली ऐप लवर। आज हम बात करेंगे ऐप लॉक फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन के बारे में। बहुत से लोग एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगाना चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते, और किसी किसी मोबाइल में फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं करता है तो वो चाहता है कि डायरेक्टली स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट लगा के ऐप के ऊपर लॉक लगाया जाए। तो अब कैसे करना है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल, कैसे आप इस एप्लीकेशन की मदद से लॉक वगैरह लगा सकते हो, भी स्क्रीन लॉक, पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। रेटिंग पॉइंट इसका 4.6 और इसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। अब रेटिंग पॉइंट से आप समझ सकते हो कितना बेस्ट ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को कर देना है ओपन, और यहाँ पर नीचे की साइड में आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करते से यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली आपको पहले फिंगरप्रिंट के ऊपर ओके करना है। आपको कोई पैटर्न लॉक लगाना है, सिंपली मैं पैटर्न लॉक यहाँ पे लगा देता हूँ। पैटर्न लॉक को लगाने के बाद सिंपली एक और बार मैंने क्लिक कर दिया, दो बार मैंने यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा दिया है। अब मैं जिस भी एप्लीकेशन पे यहाँ पे पैटर्न लॉक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ, इंस्टाग्राम को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर यूट्यूब को कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यूट्यूब का सिलेक्ट कर लिया है, तो सिंपली सभी के ऊपर हटा देता हूँ। यूट्यूब पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा दिया है। अभी हमसे परमिशन मांगेगा, जैसे कि डिस्प्ले अवर द एप, यूजेज एक्सेस, स्टार्ट इन बैकग्राउंड, तो हमको कर देना है गो स्टार्ट पे क्लिक, और सारी चीज़ें की परमिशन इसको सिंपली दे देना है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं इसलिए हमको इसको अलाउ ऑफ कर देना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपसे एक परमिशन मांगेगा, तो आपको गो टू ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसको फिर से यहाँ पर आके एक और परमिशन के लिए एक्सेस दे देना है। अब दोस्तों किसी किसी के मोबाइल में प्राइवेसी होती है, जिससे मेरे मोबाइल में है, मैं किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ब्लू टिक के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ और इसको एक्सेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब थर्ड वाला ऑप्शन बचा है स्टार्ट इन बैकग्राउंड, तो हमको गो टू साइड पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को करना है बैकग्राउंड में काम करवाना है, तो बैकग्राउंड में रनिंग करवाते हैं दोस्तों इसको, तो अलाउ कर देना है। अब देख सकते हो सिंपली सारी चीज़ें मैंने ऑन कर दी है। अब दो चीज़ें और मांग रहा है, तो हमको दो चीज़ों के ऊपर कर देना है रिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सिंपली एप्लीकेशन पूरी तरीके से काम करेगा, आप देख सकते हो। और ये दोनों सेटिंग मैंने और फिर से इसकी ऑन कर दी है। अब बेस्ट तरीके से ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम करेगा दोस्तों, आप देख सकते हो। गुड, मैंने यहाँ पे इसको परमिशन भी दे दी गुड वाली, और रेटिंग पॉइंट इसको बाद में देंगे दोस्तों। सिंपली रेटिंग पॉइंट भी दे दी हमने गूगल पे के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे वॉल्ट चाहो लोग जैसा लगाना चाहो वैसा लगा सकते हो। मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब की, तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही लोग लगा के रखा है, बाकी सबके ऊपर लोग खुला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बहुत स्पीड में काम करके बताया, यहाँ पे देख सकते हो लोग मांग रहा है। अगर आप फिंगरप्रिंट लोग डालो तो फिंगरप्रिंट भी आ सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली इसी तरीके से लोग भी खुल सकता है। दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आया इसकी प्रोसेस सारी की सारी जो मैंने आपको करके बताई है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे कि हमने इसको बैकग्राउंड की परमिशन दी थी तो बैकग्राउंड में भी ये काम कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसी तरीके से हम इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।